आरजी कार हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है संजय रॉय कैसे जोर जबरदस्ती करता है और उस लेडी डॉक्टर को सेमिनार हॉल के अंदर ले जाता है। बताया जा रहा है कि आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ गंदी और घिनौनी हरकतें करता है और फिर संजय रॉय उस बिचारी लेडी डॉक्टर की जान ले लेता है। कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में ये खौफनाक घटना 3 से 5 बजकर के बीच में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स की लापरवाही का नतीजा भी हो सकता है। उस रात लेडी डॉक्टर चिल्ला चिल्ला कर जान की मदद मांग रही थी, पर कोई भी उस बिचारी डॉक्टर को बचाने नहीं आया। कोर्ट में अब ये फैसला चल रहा है कि संजय रॉय को फांसी की सजा देनी चाहिए या फिर नहीं। डॉक्टर्स का कहना है कि सीबीआई को इस केस में सख्ती से काम करना चाहिए और इस बिचारी मासूम डॉक्टर के सारे कातिलों को पकड़कर फांसी की सजा देना चाहिए और भारत देश के सारे महिलाओं को और मौमिता के सारे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों का कहना है कि भारत देश में महिलाओं के लिए नए कानून बनना चाहिए ताकि आगे से कोई भी इंसान औरतों के साथ ऐसी बुरी घटना और घिनौनी हरकत ना करे और हमेशा मुजरिमों को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। भारत देश में चारों तरफ गम का माहौल छाया हुआ है और लोग इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द उस संजय रॉय नामी शख्स को फांसी दे देना चाहिए।